सो गाइस अज दा वेदर हैगा बहुत सोहना, पूरी रात मीह पिया, सुबह से उठे मीह पै रहा सीगा, बट मीह हट गया सवेरे एंड बहुत थोड़ी धुप्प चढ़ी सीगी, थोड़ा थोड़ा बदल है बट इट इज़ ओके, लाइक गर्मी है, मैं जैकेट पाई है, डोंट माइंड दैट, बट गर्मी है, हल्की हल्की हवा चल रही है, थोड़ी थोड़ी गर्मी है, बहुत प्यारा वैदर है, बट कैनेडा विच वैदर का कोई भरोसा नहीं हैगा। थानू मैं एग्जाम्पल दे के दसती हाँ, मैं दो दिन पहले एक वीडियो शूट की सी, उस दिन मैं व्लॉग नहीं कर रही सी, बट कैनेडा के वैदर का परफेक्ट एग्जाम्पल सेगा वह दिन। सो आई एम लाइक एक क्लिप थोड़ा जहा व्लॉग कर लेंदी हाँ, सो मैं छोटा जा क्लिप रिकॉर्ड किया उस दिन, तो तुम देखो तो अनप्रडिक्टेबल वैदर इंजॉय करो। देख लो इनू की करता, की करता इन देखो गाइस, किसी कोई आइडिया हैगा है कि अपने बेबी ने मुँह च हाथ पाने तो किवें हटाना है? आई एम स्ट्रगलिंग विद इट। दिस बॉय कीपिंग हिज हैंड इन हिज माउथ, यस, ते हटदा ही नहीं, हस के दिखा रहे उपर ते मैनू। वैसे अगर किसी को कोई सुजैशन हैगी प्लीज़ डू टेल मी। ये हटदा नहीं, ये घूम घुमा के हाथ मुँह च पा ही लैंदा, ये इन्ना खराब बच्चा, राइट? ओ देखो गया हाथ मुँह च, ये गया हाथ मुँह च, इट्स नॉट फनी, ना कर, बस कर ना पा हाथ मुँह च गुगलो। प्लीज़ टेल मी अगर थोड़े कोई सुजैशन हैगा है, बिकॉज मैं नहीं चाहती हैगी कि हाथ पाँदा अपना अंगूठा मुँह च पाने लग जाता, एंड ही स्टार्ट सकिंग ऑन हिज थंब, मैं बिल्कुल चंगा नहीं लगता वह चीज़, सो आई डोंट वॉन्ट हिम टू डू दैट। सो अगर किसी को सुजैशन है, आई एम डाउन टू ट्राई इट, प्लीज़ टेल मी। सो गाइस मैं अदब लिए यह मंगाया आ, सो अदब हजे चीज़ा होल्ड करने लिए बहुत छोटा आ, यह चीज़ा होल्ड कर लैंदा जिवें इन्हें हुण कीता होया इनू, बट ये थोड़ी देर बाद छड्ड दिंदा आ। यह एक टीदर है जिहड़ा कि इहदी बांह ते बन हो जाता है, लाइक इट्स लूज, लाइक नॉट टाइट, तो इनू होल्ड कर लैंदा यह, सो इनू हुण इह मुँह च पा सकदा इनसाइड ऑफ हिज हैंड्स। इनू औखा बहुत हुंदा, लुक अराउंड, इनू बहुत औखा हुंदा आ, कुछ दिन हाथ पाउंदे आदत पई हुई है, but that's okay, he has to get used to it. So starting with मैं अदब नू कुछ नहीं कहती सी, आई एम लाइक ओके ही इज़ लर्निंग, लाइक वो एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप नू, लाइक वो सीख रहा है कि हाथ नू किवें मुँह च लेके जाना है, सो इट्स ओके, लाइक ही इज़ लर्निंग, सो ये चीज़ सीखनी भी जरूरी है, राइट? सो मैं कुछ कहती नहीं सी, आई एम लाइक ओके थोड़ा टाइम पाऊगा, लाइक ओके उस बाद बंद कर दूंगा, लाइक दैट्स फाइन, बट इन्नी ज़्यादा उन्हें फ्रीकुएंसी बता ली कि हूँ जब भी वह बोर हों या लाइक वह किसी चीज़ वाल फोकस नहीं कर रहा हों या एंटरटेन नहीं हो रहा हों, उदो वह मुँह च हाथ पाना चाहता हों ऑल टाइम, तो ओनली टाइम वो मुँह च हाथ बाहर हों जो ध्यान कितने होर हों, लाइक किसी टॉय देख रहा हों या बाहर बच्चों को देख के बहुत खुश हों, उदो एंड दुध पीते टाइम एंड सौंदे टाइम भी अगर वो जा खुल जाए तो उन्होंने लाइक वो सेंसेशन चाहिए होंगी है, उदो वह हाथ मुँह च पा लग जाता है, एंड एट दिस पॉइंट आई एम लाइक ओके, लाइक he's like used to it and he's like addicted to it, which I don't want for my child ki oh kisi bhi cheez to like you know addict hove, like jo bacche pacifier to ho jande hai, main unhu pacifier introduce kita siga but he didn't like it, which is good, and I didn't want to give him pacifier as well, so I'm like okay let's try teether, so main teether mangaya and it came yesterday, obviously inu thoda used to hon nu time laguga, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ 2 month ਓਲਡ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗਿਵਿੰਗ ਹਿਮ ਲਾਈਕ ਅ ਵੀਕ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਦ ਟੀਦਰ,
अगर वो स्टिल हजे नहीं यूज टू हूँ देन आई ट्राई समथिंग डिफरेंट ही इज क्राइंग सो मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँगी बट आई विल कीप ट्राइंग मैं नहीं चाहती कि वो हाथ से यूज टू रहे सो दैट्स द सिचुएशन सो अगर थोड़ा किसी ने कोई टिप्स पता है प्लीज डू लेट मी नो गाइस आई विल रियली अप्रिशिएट इट इट इज 12 o'clock on the clock wow पता नहीं मैं सही इंग्लिश बोल रही गलत बोली है बट 12 बज गए हैं मैं हजे तक एवं घूम रही हूँ उठ के तो फटाफट तैयार होंगे क्योंकि तैयार हो बिना मैं प्रोडक्टिव नहीं फील करती हैगी सो जल्दी जल्दी रेडी होंगे जी तो मैं मिलती हूँ फिर थोनू रेडी होने तो बाद लो जी आप हो गए तैयार तो आ गए वापस हूँ करते दिन की शुरुआत तो पहला मेरा काम हैगा मेरा एक पैकेज आया होया बार सो मैं लैके आते देखते हैं उस की है सो 15 कॉर्लेक्स का यह सैट मंगाया सीगा एंड 24 का यही सैट मंगाया सी दिस इज ऑयल पेंट तो मैनू पेंटिंग बहुत वधिया लगती है I love painting. Colors make me so happy. I used to do painting a lot before. Then life busy hogi, aur kam wala dhyan ho gaya. So I just left it. Not left it like obviously tusi apni hobby chhad de nahi hunde. It's just ki thonu hobby fulfill karan da time nahi milda. So ohi hoya siga. Adar na hundiyan. And then sara din like. बट ना हूँ मैं फ्री होंगे घर अदब नाल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अदब में मम्मी भी सामभ लेंगे सो आई हैव लाइक गुड अमाउंट ऑफ टाइम कि मैं अपने आप से इनवैसट कर सक अपनी हॉबी कर सकता उस टाइम से सो आई थॉट कि मैं कलर्स मंगाव तो पेंटिंग दोबारा स्टार्ट करा सो ये वाली पेंटिंग भी मेरी बनाई हुई है सारों को बहुत सोहनी लगती है इफ यू गाइज आर इंट्रस्टिड मेरी पेंटिंग कलैक्शन देखने में मैं वो भी बना सकती है इफ यू गाइज वॉन्ट टू सी बहुत ही ज़्यादा नहीं हैगी थोड़ी थोड़िया ने तो इफ यू वॉन्ट सी जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सैक्शन बिलो आई मेक लाइक अ पेंटिंग कलैक्शन वीडियो एज वैल तो मैं थोड़े जो होर नवे बनाने शुरू करूँगी एंड अगर तुम पेंटिंग बनाते हुए देखना चाहते हो If you guys want to learn a little bit of that, do let me know. Comment to daske. I'll definitely do that as well. Hello guys, shada bacha uth gaya. Nap le ali bache ne shade ne. Hun uth gaya, right? Hai na? Mainu huni huni India da phone aaya. Main India gal kar rahi sigi te mainu pata lag gaya ki India vich 12th de 12th de board de paper nahi hone. तो सारे बच्चे फ्री च पास बहुत लक्की हैं तुम जे 2020 का 12th सॉरी 2020 का 12th का बैच सेगा यू गाइज़ आर लक्की तो असं तो इन्नी मेहनत कर करके पास किया है 12th पास नहीं चलो नंबर ठीक आ गए थे पर फिर भी काफ़ी मेहनत लगी सी तो फनी गल दसा मेरा ब्रदर है इंडिया च 11th च है वो हूँ 11th च है 11th च हो गया सो हूँ 12th च होया सॉरी मैं अपने ब्रदर की क्लास ही भुल गई सो हूँ 12th च होया राइट सो उन्हें नैक्सट ईयर पेपर देने 12th के जब मैं पता लग गया आई वॉज़ लाइक ओ माई गॉड काश वो एक साल अगे होंदा दैन वो भी पास हो जाता उदा क्योंकि डाउट ही है आई नो मैं देख रहा होगा यू नो मुंडे घट ही पढ़ते हैं सारे तो सो ता करके अगर वह भी इस साल 12th हों दैन वो भी पास हो जाता चलो कोई ना मेहनत करके पास हो जी कोई गल नहीं सो ये है ब्लैक चने मैं पाऊंगी थोड़ा सा एप्पल लेमन क्यूकम्बर एंड थोड़ी जी पाऊंगी सावर क्रीम लो जी अपना सैलड रेडी है मम्मी ने देख के आता है बहुत ज़्यादा बोर करे तो अदो भी बहुत बोर हो रहा है सो मैं सोचा वॉक कर चलते हैं मौसम तुम देख सकते हो है तो बदल ने पर सी आई थिंक नेड़े रहेंगे जो बारिश आ गई वेलकम बैक अदब वास्ते मैं अदा कवर ला लिया प्लास्टिक दारी सीट का सो अगर मीह आ गया मैं इन कवर कर दूँगी थोड़ी जी वॉक हो जूगी बहर
मौसम सोहना है, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, तो चल रहे हैं। चले पुत्र, रेडी? जिस चीज़ का डर से उही होया, रास्ते च आंदे आंदे बारिश आ गई, तो थैंकफुली मेरा पार्क का वापस तो गेड़ा से घर आने लिए, सो उदो बारिश आई, थोड़ी देर पार्क च खड़ी हुई ना कि बारिश घट हो जाए, तो थोड़ी जी घट होने तो बाद आई एम लाइक ज़्यादा ना जिस मैं जाना चाहिए आ, तो अदब जो तो मैं कवर करता सीगा ये बिल्कुल ठीक रहा, मैं तो थोड़ी जी किनिया पै गई, बट दैट्स ओके क्योंकि यह गर्मिया का बारिश है, गर्मिया का बारिश कहना से मैं गर्मिया का मीह, सो यह गर्मिया का मीह है, गर्मिया का मीह है, सो यह खराब नहीं कर लग्या है, तो मैं बारिश वधिया लगती है, बट उतो भी वधिया की लगता है जो गर्मिया के मौसम बारिश दूंदा मिट्टी पर पैदा ने आके, तो उदो जी फ्रैगनेंस आती है तो वह सब तो ज़्यादा वधिया लगती है, बहुत सोहनी लगती है वो, आई एम श्योर थोड़े बच्चों भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने वो फ्रैगनेंस बहुत वधिया लगती है, इतने वो चीज़ थोड़ी घट मिलती है, बट इंडिया अक्सर वह बहुत प्यारी मिट्टी की खुशबू आती होंगी सी, तो बहुत वधिया लगती सी, तो बारिश के मौसम तो आप अक्सर अपने घर पकौड़े बना लेंगे सके, कचौरियाँ वगैरह, राइट, तो इतने मैं डाइटिंग पर है तो मैं नहीं खा सकती हैगी, मे बी नैक्सट टाइम, बट इतने मैं डाइटिंग पर है, जिन्ना मर्जी मेरा दिल करता हो खाने का आल स्टॉप माई सैल्फ, मैं नहीं खाऊंगी, तो घर पहुँच गई सी मैं, थोड़ी देर गराज च बैठी हाँ थोड़ा मौसम का आनंद माणन लई, अदा बहर आ गया सीगा, शाम का टाइम हो गया हूँ, बहुत खुश है बहर आके, तो आप करते हूँ ब्लॉग का एंड, मिलने थानू अगले ब्लॉग में, बाय बाय कर दो, बाय बाय।